वेलकम बैक। और बच्चों आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 11 ठीक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट जो 10th लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स का डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन डिस्कस किया था। आज थोड़ा इसी सीक्वेंस में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक जरा पहले इस बात को समझ लेना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस रखा जाए, जैसे इससे पहले भी आपने मैग्नीफिकेशन का डिस्कशन किया था और वो लेटरल मैग्नीफिकेशन था। मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि जैसे अगर कोई मिरर है आपके पास, ठीक है, और इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ उसका इमेज बन गया, तो मैग्नीफिकेशन बताया जाता था हाइट ऑफ इमेज। अगर इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट एच है, इमेज का हाइट एच डैश है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही माइनस वी बाई यू था, ठीक। और इस मैग्नीफिकेशन को लेटरल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, लेटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इस मैग्नीफिकेशन का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 10 में, कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू, लेटरल मैग्नीफिकेशन। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कब होगा, देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कब होगा, जैसे अगर आपने कोई मिरर लिया और इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये पोल है, ठीक, और यहां पर आप साफ देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, ठीक। तो ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, ऐसा प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, जैसे आपके पास कोई रॉड है और उसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया, तो यहां हम लोग वर्ड हाइट नहीं यूज करेंगे बल्कि लेंथ यूज करेंगे, ठीक। तो यहां पर ऑब्जेक्ट और यहां पर मान लीजिए इमेज बन गया, ठीक है, ये, और ये, ये ए बी, और ये बनेगा बी डैश ए डैश, ठीक है, ये इमेज। यहां पर आप देख रहे हैं कि इमेज को अगर देखें तो इमेज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, और मैंने जानबूझ के जब यहां इमेज बनाया तो ये थोड़ा बड़ा रखा है, ये छोटा, क्योंकि जितनी दूर इमेज बनेगा वो थोड़ा बड़े साइज का बनेगा और ये छोटे साइज का बनेगा, ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ए एंड इधर है और बी, यानी जब आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो ए बी, लेकिन जब इमेज बन रहा है तो ऑर्डर उल्टा हो जा रहा है, बी डैश ए डैश, है ना, आगे बढ़ने पर इमेज पीछे जाएगा, तो बी का इमेज यहां बनेगा बी डैश और ए का इमेज यहां बनेगा ए डैश। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाएगा तो हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की। एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, इसको डिनोट करते हैं एम, मैग्नीफिकेशन के लिए एम ही नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो एम के आगे अगर छोटा सा एल लगा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, और सिंपली एम लिखेंगे तो वो लेटरल मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वर्ड बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे वेव्स में हम लोग जानते हैं कि अगर वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस होते हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव, और वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ऑसिलेशंस होते हैं उसी डायरेक्शन में तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये वर्ड वहीं से लिया, लॉन्गिट्यूडनल, कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की बात आएगी। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ये रेशियो है लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेटरल मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी आज हम इसी का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन चाहिए तो लेंथ ऑफ इमेज, यहां देखिए लेंथ ऑफ इमेज मीन्स ए डैश बी डैश, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ए बी, ये ए बी और ए डैश बी डैश, ये लेंथ ऑफ इमेज। इसको आप देखिए ऐसे शो कर सकता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है उसका एक एंड ए है, और ऑब्जेक्ट का एक एंड ए है तो इसका डिस्टेंस जो पोल से है इसे यू वन बोल दें,
ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ही यू से डिनोट करते थे, ठीक। तो जो पहला एंड ए है उसका डिस्टेंस यू वन, और ये आप दूसरा एंड देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का, इसका डिस्टेंस पोल से इसको यू टू बोल दे रहे हैं, ठीक। ये दोनों ऑब्जेक्ट के ही दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इसीलिए यू वन यू टू यूज कर रहे हैं। अब ए का इमेज कहाँ बना, ये ए डैश, तो ए डैश का जो डिस्टेंस पोल्स है इसको वी वन, ठीक है, और बी का जो इमेज बी डैश है इस डिस्टेंस को वी टू बोल देंगे, ठीक है, वी टू। तो यहाँ पर हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएगा इसको आप देखिए, ए डैश बी डैश का मतलब वी टू माइनस वी वन, और ए बी का मतलब यू वन माइनस यू टू, ठीक। ए डैश बी डैश साफ आप देख पा रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस वी टू है, वी टू में से वी वन माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, और ए बी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो यू वन में से यू टू माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की ऑर्डर यू वन माइनस यू टू है और यहाँ वी टू माइनस वी वन है, तो ऐसा करते हैं सिमिलर ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब माइनस कॉमन कर देते हैं, वी वन माइनस वी टू अपॉन यू वन माइनस यू टू, ठीक है। ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया तो ये नेगेटिव बाहर निकालते ही वी वन माइनस वी टू हो जाएगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, तरीका सीधा ही है, ठीक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सेस रखा है और उसकी इमेज जो फॉर्म होगी उसका लेंथ, तो पहले एक एंड, पहला एंड जो ऑब्जेक्ट का है उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हुए और मिरर फार्मूला लगाकर उसका इमेज पता लगाएंगे V1, फिर सेकेंड एंड को देखेंगे, फिर मिरर फार्मूले से V2 निकालेंगे और V1 V2 का जो डिफरेंस होगा, ठीक, वही लेंथ ऑफ इमेज होगा, ठीक। इसी एक्सप्रेशन को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा यू है, तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा यू। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो ये डेल्टा यू बहुत छोटा हो जाएगा, और जब बहुत छोटा चेंज होता है, वेरी स्मॉल, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज करने लगते हैं, तब डेल्टा यू की जगह डी यू लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो उसका इमेज भी बहुत छोटा होगा, तो इस डेल्टा वी को हम डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए, एक फॉर्म तो ये दिख रहा है, ठीक, और अगर आगे बढ़े इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा लें तो देखिए, तो फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक, शॉर्ट है मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है यहां, ठीक, कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, ठीक, और ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी यू, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज माइनस डी वी बाई डी यू, यहीं से ले लिया, ठीक, ठीक, अगर छोटा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आगे जो मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ वो आप तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन हो, ठीक है। चलो डी वी बाई डी यू की वैल्यू निकालते हैं, तो डी वी बाई डी यू की वैल्यू निकालने के लिए मैं मिरर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ, ठीक है, मिरर फार्मूला है ना, तो ये मिरर फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ये मिरर फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इस मिरर फार्मूले में, हाँ, अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, यू, क्योंकि मुझे डी वी बाई डी यू चाहिए, डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड पे यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखिए ये वी को जब यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और वी की पावर माइनस वन है उसमें से वन माइनस करेंगे तो माइनस टू, और चेन रूल लगाना पड़ेगा, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल अलग है वी, तो डी वी बाई डी यू इसमें करेंगे तो यू की पावर माइनस वन है तो माइनस वन आगे आ जाएगा, यू की पावर माइनस टू, ठीक है, यू की पावर माइनस टू, और यू का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डी यू बाई डी यू वन हो जाएगा, ठीक। वी और यू चेंज हो रहा है, मिरर फिक्स है, और मिरर अगर फिक्स है तो उसका फोकस फिक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। यू और वी बदल रहा है, यू बदल रहा है तो वी चेंज हो रहा है, ठीक है, और यू वी चेंज हो रहा है, लेकिन फोकस ऑफ द मिरर वो तो फिक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और पता है आपको कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस वन बाई वी स्क्वेयर एंड डी वी बाई डी यू, ठीक है,
और ये माइनस वन बाई यू स्क्वायर मतलब बाई यू स्क्वायर। और अगर माइनस डी वी बाई डी यू की वैल्यू की बात करूँ तो माइनस डी वी बाई डी यू की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दिस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो। और बच्चों ये मालूम है कि जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था वो माइनस वी बाई यू होता था। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन जो उससे पहले बात हुई थी। अच्छा, लेटरल को ही कई बार हम लोग वर्ड ट्रांसवर्स भी यूज कर देते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है। तो माइनस वी बाई यू, ठीक है, ये लेटरल मैग्निफिकेशन था। अगर इसको स्क्वेयर कर दूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये वही चीज़ है, इसका मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हैं ये लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, एम एल वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और उसको आप एम स्क्वायर। लेकिन ये तभी ऐसा जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तब, है ना, हमेशा नहीं। इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो नॉर्मली मिरर के बारे में बताया जाएगा कि मिरर का फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन होगा, ठीक, और v आपको फिर मिरर फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। u और f गिवन है तो v निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि v की वैल्यू u और f के टर्म्स में पहले ही निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसी मिरर फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस मिरर फॉर्मूले से देख लीजिए, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से इसको अगर मैं लिखूँ तो 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। ठीक, और यहाँ से आप लिखेंगे 1 बाई वी इज इक्वल्स टू यू एफ और यू माइनस एफ, और यहाँ से यू बाई वी की जो वैल्यू हो जाएगी यू माइनस एफ अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है, और मुझे यू बाई वी नहीं वी बाई यू चाहिए तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा एम एल, दिस इज ये v बाई इसका स्क्वायर, तो उल्टा कर लेंगे तो f अपॉन u माइनस एफ और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के केस में दो ही तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक, दो ही तरह का क्वेश्चन बनता है। एक, अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल दे दिया, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट दे दिया, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। कई बार पूछा गया है, आईटी में भी पूछा गया था। ठीक, सबसे पहले आईटी में दिखा क्वेश्चन, फिर वो कई बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है तो फिर आप सीधे कन्वेंशनल तरीके पर आएंगे। कन्वेंशनल वाला ये वाला देखिए, तो दो रिजल्ट आपने लिखे हैं। ठीक, एक ये वाला कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है तो माइनस वी वन माइनस वी टू अपॉन यू वन माइनस यू टू। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला ये, ठीक, जब शॉर्ट ऑब्जेक्ट होगा तो f अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अप्लाई करते हैं, एक एक एग्जांपल दोनों केसेस पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, ए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ एल नॉट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल, देन फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। तो पहली चीज तो आपने ये देखी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, शॉर्ट। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड ये। ठीक, दूसरी चीज कि ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है, प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस। ठीक है, सेकेंड कैचवर्ड ये है क्वेश्चन का कि ऑब्जेक्ट को आपने अलोंग द एक्सिस रख दिया, और जैसे ही आप अलोंग द एक्सिस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का केस है। ठीक, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का केस नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात होगी इसमें। ठीक है, अलोंग द एक्सिस प्लेस किया, तो छोटा ऑब्जेक्ट है, अलोंग द एक्सिस प्लेस किया, लेंथ उसकी एल नॉट है। ठीक, एक कॉनकेव मिरर के सामने जिसका फोकल लेंथ एफ है, कितने डिस्टेंस पे है, यू, देन फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। तो अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था। ठीक, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए ये अभी आपने देखा था, ये f अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वेयर। तो यहाँ देखिए f अपॉन u माइनस एफ ये होल स्क्वेयर, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए ही ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, हाँ, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर लेंथ ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है, ये लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और f अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ इमेज हो गया।
क्लियर, ठीक, ये लेंथ ऑफ इमेज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, अगर आप बात समझ रहे हैं, रिजल्ट से आप फेमिलियर हैं, तो सीधे बस रिजल्ट वही आंसर बता देगा कि ऑब्जेक्ट का लेंथ एल नॉट है, एफ फोकल लेंथ के कॉन के मिरर के सामने, यू डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो इमेज का जो लेंथ होगा वो इतना होगा एल नॉट एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वेयर। क्लियर, ठीक, ये शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। अगर शॉर्ट नहीं है तो क्या करेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड वन इज देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन, ए रॉड ऑफ लेंथ एफ बाई थ्री इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस। इसमें फिर आप देख रहे हैं वर्ड कि रॉड को आपने कैसे प्लेस किया है अलोंग द एक्सिस। तो क्वेश्चन में ये अलोंग द एक्सिस वर्ड पढ़ते ही हम समझ जाएंगे, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करनी है। और जब कहेगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ट्रांसवर्स है ना, या लेटरल मैग्निफिकेशन की बात आएगी, ठीक। ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ एफ, इफ वन एंड ऑफ द एनलार्ज्ड इमेज टचेस द रॉड, देन फाइंड लेंथ ऑफ इमेज एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कंडीशन ये है कि एक कॉनकेव मिरर है ऐसा, और ये कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल। अब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट ए बी मान लीजिए, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, f बाई थ्री गिवन है, f बाई थ्री, ठीक ना। तो ये जो लेंथ है f बाई थ्री, ये लेंथ है, ठीक ना, f बाई थ्री ये लेंथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इस रॉड का जो इमेज बनेगा, इमेज का एक एंड रॉड के एक एंड को टच करेगा, ठीक। तो जैसे अगर ये रॉड है, ठीक है, और इमेज का एक एंड अगर टच करेगा, तो ये ऐसे इधर बनेगा इमेज या इधर बनेगा, ठीक, मतलब इधर भी बन सकता है इमेज ऐसे, ठीक है, और इधर भी बन सकता है, मतलब सिचुएशन ये है कि ऐसे भी इमेज बन सकता था ऐसे, तो इमेज का एक एंड रॉड के एक एंड को टच करता, और ऐसे भी बन सकता है, ठीक। लेकिन कैसा बनेगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इमेज कैसा बन रहा है, एनलार्ज्ड, और एनलार्ज्ड इमेज का मतलब वो रॉड से बड़े साइज का होगा, और बड़े साइज का तभी बनेगा जब वो मिरर से दूर, मिरर से जितना दूर होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। तो यहां जो इमेज बनेगा वो रॉड से छोटे साइज का होगा, उसको डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे, और यहां जो इमेज बनेगा वो रॉड से बड़े साइज का होगा, वो एनलार्ज्ड है, तो एनलार्ज्ड बोल रहे हैं, तो वहां बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये सिचुएशन नहीं रहेगी, ठीक है, ठीक, यहाँ ये सिचुएशन रहेगी। और मैंने बताया था ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ए बी है तो यहाँ बी डैश और ए डैश हो जाएगा, ठीक, ये सिचुएशन दी गई। इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि कौन के मिरर के सामने एक रॉड आपने रखा हुआ है एफ बाई थ्री लेंथ का, और उसका जो इमेज है वो उसके एक एंड को टच कर रहा है, ठीक। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो चाहता है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा और लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर चाहिए तो निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये एफ बाई थ्री। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी शॉर्ट नहीं दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट को आप छोटा कंसिडर नहीं कर सकते हैं, एफ बाई थ्री लेंथ का है, तो इसलिए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट वाला जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन था है ना, जो फॉर्मूला था फॉर्म, वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर जरा ध्यान दो एक एक करके आप, है ना, पहला एंड देखेंगे उसका इमेज, दूसरा एंड देखेंगे उसका इमेज। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए और फोकस करिए, देखें सबसे पहली चीज कि ए का इमेज ये यहीं पर बन रहा है ए डैश, ठीक, फिगर से दिख रहा है ए का इमेज वहीं पर बन रहा है। और किसी भी मिरर में आपको पता है कि जहां ऑब्जेक्ट रखें अगर वहीं इमेज बन जा रहा है, तो ऐसा मिरर में तभी होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए 2f पर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हम समझ गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये डिस्टेंस 2f ही होगा, ठीक। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन हमारा कम ये हो गया कि पहला एंड जो a है वो 2f पे और उसका इमेज भी 2f पे है, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन ये बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड एंड पे आ जाइए, किसकी बात कर रहे हैं, b की, ठीक है, फॉर पॉइंट या फॉर एंड b, ठीक। अब b की अगर बात करेंगे, b एंड की, तो यहां पर जरा ध्यान दो, ठीक,
हाँ ये 2f हो गया। अब b वाले को देखो, यहाँ से डिस्टेंस, अगर b के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलेंगे तो 2f में से f बाई 3 माइनस कर देंगे, डिस्टेंस से सारे पोल से मेजर करने हैं, साइन कन्वेंशन, तो 2f माइनस f बाई 3, और 2f माइनस f बाई 3 अगर आप कर लेंगे तो दिस विल बी 5f बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब u जो होगा ठीक, वो कितना, u को क्या लिखेंगे, माइनस 5f बाई 3, साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर जो मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इधर जो भी मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक। तो B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ठीक, तो वो 2f माइनस f बाई 3, ठीक है। फोकस क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर है तो ऑब्वियसली माइनस f लिखेंगे, और V हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस B पॉइंट का इमेज कहाँ बनने वाला है, ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, तो ऑब्वियसली मिरर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, मिरर फार्मूला, और मेरा फार्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, और ये 1 बाई वी और 1 बाई यू, यू का मतलब आपने देखा था कि 5f बाई 3, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये 5f बाई 3 करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 बाई वी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एफ प्लस 3 बाई 5f, ठीक है, और यहाँ 5f कॉमन कर लेंगे, ठीक, एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस 2 हो जाएगा, और v की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि माइनस 5f बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, v की वैल्यू माइनस 5f बाई 2, ठीक। अब यहाँ v की वैल्यू अगर माइनस 5f बाई 2 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो b डैश है, b यहाँ है, मिरर फार्मूले ने बताया कि b डैश जो होगा ये 5f बाई 2 पर होगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि लेंथ ऑफ इमेज, तो इमेज का लेंथ इस फिगर में देखिए, ये डिस्टेंस है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक, वो हमारे मिरर फार्मूला लगाने पर कन्वेंशन के हिसाब से बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक। तो 5f बाई 2 में से अगर ये 2f माइनस कर लूँ, इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो इमेज का लेंथ आ जाएगा, मतलब 5f बाई 2 माइनस 2f, ठीक है, तो 5f बाई 2 में से 2f माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ इमेज की अगर बात की जा रही है तो लेंथ ऑफ इमेज ठीक, ये क्या होगा, 5f बाई 2 माइनस 2f, और ये f बाई 2 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और एक चीज़ और पूछी थी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन था बाय डेफिनेशन लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज का लेंथ f बाई 2 निकाल ही चुके हैं, ऑब्जेक्ट का लेंथ f बाई 3 क्वेश्चन में गिवन ही था, और रियल इमेज बन रहा है तो माइनस, जब भी रियल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, और वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन दिखाने के लिए कि रियल इमेज बन रहा है, ठीक। f f कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा, ठीक, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, ठीक। तो दो तरह का मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल में केस बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट शॉर्ट है, ठीक है, और दोनों ही ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ठीक, तो ये दोनों केसेस आपको ध्यान से समझ लेने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं, मैग्नीफिकेशन की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम डिस्कस ये करना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम वी नॉट से डिनोट करेंगे, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिसे वी आई से डिनोट करेंगे, ठीक। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर में यह बात आपने देखी थी कि अगर कोई प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को चलाते हैं तो इमेज भी चलता है, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलाते हैं एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इमेज मूव करने लगता है, ठीक। तो वेलोसिटी है ना बिल्कुल इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में और अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाती, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है कि जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट चलाएंगे इमेज है ना उसी मैग्नीट्यूड से चलेगा।
तो यहाँ रिलेशन क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी जाए और इमेज की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर ये कोई मिरर है और ये पोल है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ उसका कहीं इमेज है, क्लियर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u और इमेज का जो डिस्टेंस है वो v, ठीक। और इसमें ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया किसी वेलोसिटी v नॉट से, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्वियसली इमेज भी मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो u चेंज होगा और u का रेट ऑफ चेंज ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। u का रेट ऑफ चेंज, जैसे अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो एक सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर आगे आएगा, तो u की वैल्यू एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर ही कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो यानी u जिस रेट से कम होगा, एक सेकंड में u की वैल्यू जितनी चेंज होगी वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। मींस कि u का रेट ऑफ चेंज मींस du बाय dt, यही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी vo, और u चेंज होगा तो v चेंज होगा और v चेंज होगा तो इमेज की वेलोसिटी dv बाय dt होगी, ठीक है, dv बाय dt। और मुझे dv बाय dt और du बाय dt में रिलेशन चाहिए, तो इसके लिए हेल्प करेगा ऑब्वियसली मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला लिख देता हूं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ठीक। अब दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टी के रिस्पेक्ट में अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो वी की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 आगे आ जाएगा, वी की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और चेन रूल डी वी बाई डी टी। सिमिलरली यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, यू की पावर माइनस 2 और डी यू बाई डी टी, ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो टाइम के साथ यू चेंज होगा और टाइम के साथ वी भी चेंज होगा, लेकिन जो फोकल लेंथ है मिरर का वो चेंज नहीं होगा, एफ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मिरर फिक्स्ड है, मिरर वही है, बदल नहीं रहा है, तो फोकस कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टी के साथ एफ नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस 1 बाई वी स्क्वेयर और dv बाई डी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये अपॉन 1 बाई यू स्क्वायर, उधर जाएगा माइनस प्लस हो गया, और डी यू बाई डी टी इसी को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ, यहां देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और v बाई यू की वैल्यू इससे पहले आपने निकाली थी, v बाई यू की वैल्यू कितनी थी इससे पहले आपने निकाला था, देखो v बाई यू का वैल्यू, ये v बाई यू का वैल्यू f अपॉन यू माइनस f का होल स्क्वायर, यही पुट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो v बाई यू की जो वैल्यू आएगी, तो v बाई यू की जो वैल्यू थी वो माइनस f अपॉन यू माइनस f और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन पूछा जाता है सीधा या कोई न्यूमेरिकल दिखता है तो उसमें देखो इमेज की जो वेलोसिटी है, एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर ही रहा है और साथ में फोकल लेंथ और यू पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो किस तरह का मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वे, फोकस कितना होगा उसका और कितने डिस्टेंस पर है, ठीक। तो ये सारी बातें वो आपको दी जाएंगी कि जैसे कॉनकेव मिरर है 20 सेंटीमीटर का, एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और उसने 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू किया तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। तो ये वैल्यूज आपको अकॉर्डिंगली पुट कर देनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, है ना। प्लेन मिरर की तरह नहीं, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट चाहे जितने डिस्टेंस पे हो इमेज उसी वेलोसिटी से चलता था, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ फोकस और यू पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स की बात हो रही थी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक, प्लेन सर्फेस में भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा था आपने, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो गया जिसमें मिरर्स हैं, ठीक, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है
जो बहुत कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस और बोर्ड वगैरह में बहुत पूछा जाता है, और यही रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस जो आप समझ जाते हैं, तो यही आगे लेंस के लिए बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे और लेंस की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।